सब कहें टोनी कहे ना कोई, मेरा नाम है टोनी पर प्यार से लोग मुझे कहते हैं पोनी। पोनी सिर्फ एक बार कहता है, बार बार कहने की आदत नहीं। अपना वो फॉर्मूला मुझे दे दो जिससे तुम अलग अलग गेटअप में छुप सकते हो। वो फॉर्मूला दे दिया तो तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, वरना सड़क पिला दूंगा। मैं तुम जैसे लोगों की धमकी से नहीं डरता। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं वो फॉर्मूला तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। लगता है सब कुछ ठीक है, मैं अब बाहर निकल सकता हूँ। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आज तुम सबसे बात करने मिस्टर कमीलियन खुद आ रहे हैं। मिस्टर कमीलियन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने हजारों इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन एक इन्वेंशन ऐसा किया है जिसकी वजह से उनका नाम मिस्टर कमीलियन पड़ गया है। वो कौन सा इन्वेंशन है सर? जैसे कमीलियन यानी कि गिरगिट अपना रंग बदल के खुद को किसी भी तरह से बैकग्राउंड में छुपा लेता है, वैसे ही मिस्टर कमीलियन ने ऐसा गैजेट इन्वेंट किया है कि वो खुद को किसी भी चीज में बदल के छुप सकते हैं। वो सोफा बन सकते हैं, फ्लावर वास बन सकते हैं, चेयर बन सकते हैं, कोई भी चीज में खुद को बदल के छुपा सकते हैं। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। बच्चों ये है मिस्टर कमीलियन। इनके बारे में मैं तुम सबको बता चुका हूँ। हम मिस्टर कमीलियन का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय आप लोगों को दिया। अब ये आपसे कुछ कहेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल सिंह। बच्चों एक समय मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था। मैंने सोच रखा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे देश का नाम हो। बच्चों अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस चाहत, लगन और कड़ी मेहनत की जरूरत है, समझे? बच्चों कुछ जरूरी काम याद आ गया है। मैं अभी आया। कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। सोफा, चेयर, टेबल, फ्लावर वास, कुछ भी, सबको ठीक से चेक करो और पकड़ के मेरे पास लेकर आओ। मिस्टर कमेलियन कोई भी रूप में खुद को कैमोफ्लेज कर सकते हैं। वो देखो इस समय वो फ्लावर वास बने हैं, शायद इनको ही पकड़ने ये गुंडे आए हैं। सुनो क्या करना है शिवा। वो फ्लावर वैज अपनी जगह से खुद हिला। सर सर आप हिलिए मत, ये लोग देख लेंगे। ए बच्चे
उस फ्लावर वास से दूर हट जाओ। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। अरे इस बच्चे से लड़ना मुश्किल है। मिस्टर कमिलियन को उठाओ और भागो। सर बाहर आ जाइए, वो सब चले गए हैं। थैंक यू बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। वो लोग मुझसे ये पता करना चाहते हैं कि मैं कैसे अपना गेटअप फौरन चेंज कर लेता हूँ। दरअसल ये आविष्कार मैंने अपने देश के जासूसों के लिए किया है ताकि वो इसका सही इस्तेमाल कर सकें। लेकिन पोनी इसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है। सर मैं लड्डू सिंह जी को बोल के आपकी सुरक्षा का इंतजाम करवाता हूँ। आप मेरा फोन नंबर भी लीजिए, कभी जरूरत हो तो कॉल कीजिएगा। ये लीजिए बॉस, आपका मिस्टर कमिलियन। हेलो मिस्टर कमिलियन, कैसे हो? पोनी पोनी सब कहें, टोनी कहें ना कोई। चलो अब बिना टाइम गवाए बाहर आ जाओ। कम ऑन, डोंट बी अफ्रेड, जल्दी से वो फॉर्मूला मुझे दे दो और घर जाओ। मिस्टर कमिलियन अब ये लुका छुपी का खेल बंद करो, बाहर आओ, मैं कहता हूँ बाहर आओ। अबे दिमाग से पैदल, तुम लोग असली का फ्लावर वास उठा लाए हो। मिस्टर कमिलियन तुम्हें चकमा दे गया। सॉरी सर, लगता है उस बच्चे ने फ्लावर वास बदलकर हमें बुद्धू बना दिया। वो बार बार इसी वास से बात कर रहा था। कौन सा बच्चा? बॉस बच्चा मत कहो उसे, उसका नाम शिवा है। हम सबको बहुत पीटा बॉस। एक बच्चे से पिट के आ गए, शर्म करो। जाओ मिस्टर कमिलियन को उसके घर से उठा लाओ। जाओ। शिवा तुम्हें यकीन है कि वो गुंडे लोग मिस्टर कमिलियन के घर आएंगे? आए। जब उन्हें पता चलेगा कि वो गलत फ्लावर वास उठा ले गए हैं तो वो जरूर आएंगे। आओ गुंडों आओ। तुम जैसे लोगों के स्वागत के लिए ही मैंने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। मिस्टर कमिलियन की होम सिक्योरिटी ब्रेक करके अंदर जा रहे हैं। मिस्टर कमिलियन का सिग्नल मिलते ही हम चलेंगे। हेलो शिवा, वो लोग फिर से आ गए हैं। क्या तुम यहीं बाहर हो? जल्दी से आ जाओ, मैं सोफा बनकर विंडो के पास हूँ। ओके ओके सर, मैं अभी आता हूँ। चलिए लड्डू सिंह जी। बच्चे रात को घर से बाहर नहीं निकलते। बच्चा नहीं कहना अंकल। आदि यूडी वो लेजर बीम को टच नहीं करना, चलो। विंडो के पास वाला सोफा मिस्टर कमिलियन है। विंडो को फिर से बुद्धू बनाओ। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप यहाँ हैं।
सॉरी सॉरी। वो सोफा उठा के ले चलो जिसपे वो लड़की बैठी थी, इस बार पकड़ा गया। थैंक यू शिवा, थैंक यू, एक बार फिर से तुमने मुझे बचा लिया। अभी बचाता हूँ। फिर से शिवा, मैंने वो फार्मूला एग्जीबिशन हॉल में छुपा दिया है, चलो उसे लेकर पुलिस को दे देते हैं। बेवकूफ बनकर कहाँ है कमेलियन? कहाँ है? ये गलत सोफा है। बॉस, वो बच्चे बहुत चालाक हैं। क्या है, क्यों फोन कर रहे हो? क्या एग्जीबिशन हॉल में फ्लावर वाज में? चलो मेरे साथ। अरे मिस्टर कमेलियन, कैसा ट्रैप बनाया, हाय गुंडों की जगह पुलिस को पिटवाया। वो देखो एक गुंडा यही था, उसने जरूर हमारी बातें सुन ली होगी। जल्दी से एग्जीबिशन हॉल चल के वो फॉर्मूला बचाना होगा। ना कोई फॉर्मूला मिल गया। बॉस, वो लोग आ गए, भागो यहाँ से। शहर से बाहर निकलने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ेगी। अब सुनो मेरा प्लान। सर, सर, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उसे पीने सिटी के हॉस्पिटल ले जाना है। हमारा ड्राइवर कहीं चला गया है, दूसरा ड्राइवर वेदा शहर के बाहर इंतजार कर रहा है। क्या आप एम्बुलेंस ड्राइव करके इस पेशेंट को वेदा शहर के बाहर तक ले जा सकते हैं? प्लीज प्लीज इसे बचा लीजिए, एक पल की देरी भी इसकी जान के लिए खतरा हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़े पुण्य का काम है। चलो बेड़ा राम, तुम यहाँ रुक के शिवा की हेल्प करो, मैं एम्बुलेंस ड्राइव करता हूँ। राम जी, लड्डू सिंह जी कहाँ हैं? वो एम्बुलेंस लेकर एक पेशेंट को विदार शहर के बाहर तक छोड़ने गए हैं। अरे हमारी एम्बुलेंस कहाँ गई? कौन ले गया? अब पेशेंट को हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे? राम जी, लगता है जो लोग एम्बुलेंस में गए हैं लड्डू सिंह जी को बुद्धू बनाया। तुम लोग पीछे आओ। देखो
बच्चा आ गया फिर से मारेगा। मैं जाऊँ बस, मुझे घर में बहुत काम है, मम्मी बीमार है, मुझे सिक लीव चाहिए बॉस। क्या बकवास कर रहे हो, एक बच्चे से डर रहे हो? मैं अभी तो देखूं कौन सा बच्चा है वो। ओ, तो तुम ही वो बच्चे हो जिससे मेरे सब आदमी डरते हैं। बच्चा नहीं कहना अंकल। अरे ये ऊपर कौन धमा चौकड़ी मचा रहा है भाई, कौन है? शिवा, शिवा नाम है मेरा। एक फॉर्मूले की वजह से इतनी मार खानी पड़ी, वो भी एक बच्चे से। मेरी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, अब मेरे आदमी मेरी क्या इज्जत करेंगे। शिवा तुमने बहुत बड़ी मदद की है, थैंक यू वेरी मच। और मैंने मदद नहीं की, कितनी बार मार खाई आपके उस डोर ट्रैप से, अभी भी दर्द हो रहा है।